हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटर्म्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम के कॉपी लिंक ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर पहले अगर हम यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमको एक कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाता था। इस तरीके से अगर हमें किसी पोस्ट की लिंक को कॉपी करना होता था या हमें किसी रील की लिंक को कॉपी करना होता था, हम यहाँ पर थ्री डॉट्स पर जाते थे और यहाँ से हमें आसानी से कॉपी लिंक का ऑप्शन मिल जाता था। तो इंस्टाग्राम का जो नया अपडेट आया है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ कहीं पर भी इंस्टाग्राम पर कॉपी लिंक का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इंस्टाग्राम का कॉपी लिंक ऑप्शन अपने अकाउंट में कैसे लाए और कहाँ पर वो ऑप्शन चला गया है, वो जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना होगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम कॉपी लिंक का ऑप्शन जो था वो पहले हमें जो थ्री डॉट्स पर मिलता था वो अपडेट कर दिया है इंस्टाग्राम ने। और वो ऑप्शन अब अगर आप यहाँ पर, आपको एक जो शेयर का ऑप्शन मिलता है नीचे कमेंट्स के साइड पर, अगर उस पर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका इस तरीके से मैसेज वाला ओपन होता है। और यहाँ पर आप अगर नीचे चेक करोगे तो यहाँ पर आपको शेयर, कॉपी लिंक, SMS, मैसेंजर, व्हाट्सएप और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करने का भी लिंक मिल जाएगा। तो अब जो कॉपी लिंक का ऑप्शन था वो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन देख रहे होते, वो थ्री डॉट्स वाले से हट के यहाँ पर शेयर के ऑप्शन में आ चुका है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी जो लिंक है वो कॉपी हो चुकी है। तो इंस्टाग्राम कॉपी लिंक का ऑप्शन था वो इंस्टाग्राम ने अपडेट करके यहाँ पर जो शेयर वाला ऑप्शन आता है यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरीके से अगर आपका जो ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप शेयर पर जाकर अपना ऑप्शन ढूंढ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर भी कॉपी लिंक का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको एक बार प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर चेक कर लेना है कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो अपडेटेड है या नहीं है। अगर आपका इंस्टाग्राम नहीं अपडेटेड है तो ये जो ऑप्शन है वो आपको आपके अकाउंट पर नहीं आया होगा। तो इसीलिए आपको अपना इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है जिससे नए फीचर्स भी आ जाए और जो भी बग्स हो वो भी आपके अकाउंट से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।